हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो पूरा ही न्यू टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। मान लो एक न्यू टेक्नीशियन एक न्यू पीसीबी सीआरटी किट लेके आया, और वो पार्टी के घर पर हो सकता है, खुद का घर पर भी हो सकता है। न्यू पीसीबी आने का बाद लेके आने के बाद वो पिक्चर ट्यूब पर लगाया, और पिक्चर ट्यूब पर लगाने के बाद सब कुछ कनेक्शन ओके किया। ओके करने के बाद ऑडियो वीडियो सिग्नल दे दिया, उसका साउंड पिक्चर सब कुछ ओके आ गया। और जब साउंड पिक्चर सब कुछ आ जाता है, तो उसी का समय न्यू टेक्नीशियन का मन में बहुत ही क्या बताऊंगा, खुशी का झलक उसका मुख में दिखा जाता है। बट तुरंत दिखा जाता है कि वो टीवी स्टॉप हो गया। तो न्यू टेक्नीशियन का अंदर और उसका हार्ट में एक धड़क सा क्या बताऊंगा, डर लग जाएगा। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या फॉल्ट हो गया। दोबारा वो अप करके भी सप्लाई देना चाहेगा तो तब भी टीवी ऑन नहीं होगा। इस तरह दो चार बार सप्लाई देगा तो टीवी ऑन नहीं होगा। तो इधर उधर चेक करने के लिए लग जाएगा कि ये आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया है कि नहीं, कुछ भी जैक वगैरह लूज हो गया है कि नहीं, ये कुछ दिखने लगता है। और कुछ भी पीसीबी को सोल्डरिंग भी कर देता है। करने के बाद उसका दिमाग में कुछ भी नहीं चलेगा कि इसका फॉल्ट क्या है। तो दोबारा जब सप्लाई वो दे देगा तो देखा जाता है कि फिर भी टीवी चालू हो गया। उसका मन में फिर भी खुशी का झलक आ जाएगा। और उसका बाद फिर भी वो कुछ टाइम का बाद ही टीवी जब बंद हो जाता है तो उसका दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा, और वो सब वाला को गाली देगा कि मुझे को मेरा जो पीसीबी भेजा है, मुझे को वो ख़राब पीसीबी भेजा है। तो दोस्तों, कुछ कुछ टाइम ऐसा हो जाता है, तो कोई बात नहीं। ये जो वीडियो आपको देखाऊंगा इसी तरह एक फॉल्ट, एक्चुअली ये फॉल्ट नहीं है, थोड़ा सा गलती होने का वजह इस तरह फॉल्ट कर सकते हैं न्यू टेक्नीशियन। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा, और ये वीडियो फुल वॉच कीजिए, न्यू टेक्नीशियन का अलग से नॉलेज मिल जाएगा। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करूँ। दोस्तों देखिए, ये एक पूरा न्यू चाइना पीसीबी है, ठीक है, चाइना सीआरटी किट। आप कुछ भी टीवी के अंदर ये चाइना किट इंस्टॉल कर सकते हो। 14 इंची, 15 इंची, 17 इंची, 20 इंची, 21 इंची, कुछ भी टीवी, ठीक है, इसका अंदर आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए, ये पीसीबी को मैं सप्लाई देके आपको जो दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, मैं अलग पिक्चर ट्यूब पर देखिए कनेक्शन करके रखा है, ठीक है। तो चलिए, इसका सेंसर मैं कनेक्शन किया, इसका पैनल बॉटम कनेक्शन किया, और एवी कॉर्ड में कनेक्शन करके ही रखा है, ठीक है। देखिए, आपको सामने मैं फर्स्ट टाइम सीरीज लाइन से ही टेस्ट करूँगा। आप डायरेक्ट लाइन से भी टेस्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं, सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए, मैं सप्लाई दे दिया, इसका पावर इंडिकेटर अभी ऑन है। और चलिए, आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, इसका लाइट जरूर आना चाहिए। देखिए, लाइट आ गया, और देखिए मैं वीडियो प्ले करके भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, वीडियो प्ले कर दिया, इसका वीडियो चालू हो गया, ठीक है। मैं साउंड कनेक्शन नहीं देख के रखा है, तो साउंड कनेक्शन देगा तो, स्पीकर कनेक्शन देगा तो साउंड जरूर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये टीवी चल रहा है, और आपको क्या दिखाऊंगा, देखिए ये पीसीबी अभी ऑन है, इसका इंडिकेटर भी ऑन है, ठीक है, इसके इंडिकेटर भी ऑन है। आपको लॉन्ग टाइम पिक्चर क्यों नहीं दिखाता हूँ कि इसी का वजह कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, कोई बात नहीं, और ये वीडियो को कुछ भी पोजीशन में कट नहीं दूंगा, और आपको पूरा दिखाता हूँ। देखिए, पीसीबी है, और ये पिक्चर ट्यूब, और ये पिक्चर चल रहा है, और इसका कनेक्शन इधर है, ठीक है, और ये साइड पर कोई भी नहीं है। और दोस्तों देखिए, तुरंत ही टीवी ऑफ हो गया, आप खुद देखिए, और इसका इंडिकेटर देखिए जल रहा है, ये टीवी तुरंत ऑफ हो गया। इसका रीजन क्या है देखिए। चलिए, दोबारा मैं ये सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, सप्लाई को मैं ऑफ कर दिया, इसका पावर इंडिकेटर देखिए ऑफ हो गया, ठीक है। तो आपको दोबारा दिखाऊंगा कॉन्फर्म करने के लिए, ठीक है। और इसी का साथ आपको जो दिखाऊंगा कि जब स्टेट डेट हो जाता है तो ये ऑफ हो गया स्टेट सेट। तो मीटर को मैं 200 DC रेंज पर कनेक्ट करके रखा है इसी टाइम। चलिए, आपका सामने मैं सब कुछ प्रैक्टिकली लाइव करके देखूंगा। पिक्चर ट्यूब का जो नेगेटिव होता है बॉडी, इसका साथ मैं मीटर का नेगेटिव पर कनेक्शन किया। ये कंडीशन पर आपको वोल्टेज चेक करके देखूंगा जिस टाइम ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये मैं सब सेट करके रखा है, ठीक है। तो चलिए, इसी टाइम आपको दोबारा सप्लाई देके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इसका पावर इंडिकेटर अभी ऑफ है। तो चलिए, इसी टाइम आपको क्या दिखाऊंगा, डायरेक्ट लाइन से दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट टाइम ये लाइन से ही दिखाता हूँ, सीरीज लाइन से। देखिए, सप्लाई दे दिया, इसका पावर इंडिकेटर ऑन है,
और देखिए लाइट आता है कि नहीं, आपको स्क्रीन पर फॉलो करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों अभी लाइट नहीं आ रहा है, तो इसका क्या फॉल्ट है? इसी टाइम चलिए आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। देखिए ये 110 वोल्ट का लाइन है, ठीक है, ये 110 वोल्ट का लाइन है, ठीक है। यहाँ पर कितना वोल्ट मिलता है आप अच्छा करके देखिए, यहाँ पर कितना वोल्ट, देखिए ओनली 19 वोल्ट। देखिए यहाँ पर 110 वोल्ट आना चाहिए। तो चलिए दोबारा मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, सप्लाई को मैं ऑफ कर दिया। आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, अब प्रैक्टिकली ये फॉल्ट देखना चाहता हो तो आप ये वीडियो को स्किप करेगा और फॉरवर्ड करके देखेगा तो न्यू टेक्नीशियन का कुछ भी पता नहीं चलेगा और वो सर कमेंट करके बताएगा, सर मैं न्यू पीसीबी लेके आया, वो एक मिनट चलता है और तुरंत बंद हो जाता है, तो इसका फॉल्ट क्या है और कैसे मैं ये रिपेयर करूँगा। तो कुछ कुछ वीडियो के अंदर मैं बताया, आज आपको ये वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहता हूँ मेनली न्यू टेक्नीशियन के लिए। तो दोस्तों इसी टाइम आप आइडिया लगा सकते हो कि इसका फॉल्ट क्या है, मन में लगेगा कि इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर जरूर शॉर्ट हो गया, ये हो सकता है कि इसका जिस पिक्चर ट्यूब पर लगाएगा तो पिक्चर ट्यूब का ये कॉइल फॉल्ट होगा, तो ये हो सकता है। हो सकता है चाइना पीसीबी का जो न्यू ईएसटी होता है ये भी वो बैठ जाता है, इसी का रीजन से 110 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है। हो सकता है इसका पावर सेक्शन का कुछ फॉल्ट हो गया, हो सकता है इसका डायोड शॉर्ट हो गया, ये भी आपको चेक करके देखना पड़ेगा। बट आपको ये वीडियो के अंदर जो देखूँगा आपका कुछ अलग सा ज़रूर नॉलेज मिल जाएगा मेनली न्यू टेक्नीशियन को, ठीक है। तो मैं कुछ टाइम आपका साथ बात करते करते मैं कुछ टाइम रखा है और इसी टाइम आपको एक बार सप्लाई देके देखूँगा, ठीक है, कि ये सेट ऑन होता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए इसी टाइम मैं सप्लाई एक बार दे देता हूँ। देखिए सप्लाई दे दिया, इसका पावर इंडिकेटर ऑन हो गया और मैं इसी टाइम देखूँगा कि इसका टीवी ऑन होता है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए अभी तक टीवी ऑन नहीं हो रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। तो ऑफ करने का पहले आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ फिर भी इसका जो ईएसटी सप्लाई, देखिए ये जो ईएसटी सप्लाई कितना है अभी इसी टाइम 20 है, ठीक है, 1920 के आसपास। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके दिखाता हूँ। देखिए मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया। तो दोस्तों इसी टाइम आपको बहुत क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, और आपका साथ मैं थोड़ा डिस्कस करते करते और टाइम चला जाएगा और उसका बाद आपको सप्लाई देके दोबारा देखूँगा कि ये पीसीबी फिर भी ऑन होगा, ठीक है, फिर भी ये पीसीबी ऑन होगा, क्योंकि देखिए इसका कनेक्शन सही है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल का और ये वर्टिकल का, ये पीसीबी का कुछ भी फॉल्ट नहीं है इसी टाइम, ठीक है। देखिए आपको जो दिखाना चाहता हूँ, न्यू टेक्नीशियन जो बहुत गलती कर देता है कि देखिए मेन जो ये पावर सेक्शन जो होता है इसका अंदर दो इनपुट कनेक्शन देखा जाता है। देखिए यहाँ पर एक कनेक्शन और यहाँ पर एक कनेक्शन, मैं एसी कॉर्ड यहाँ पर कनेक्शन करके रखा है, ठीक है। तो सबसे कॉन्फ्यूजन बात है कि एसी सप्लाई कौन पॉइंट पर देना पड़ेगा। देखिए मैं ओपन किया, आप अच्छा करके देखिए, ठीक है, एसी सप्लाई कौन पॉइंट पर देना पड़ेगा। तो एसी सप्लाई इनपुट होने के बाद वो जो जाता है डायोड का पास, ठीक है, ये डायोड एसी को रेक्टिफाई जो डायोड ये डीसी करके ये मेन फिल्टर कैपेसिटर पर देता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कनेक्शन किया और यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये पीटीसी है, ठीक है, पीएफ जैसा ये पीटीसी है, और ये जो पॉइंट देखिए और इसका पास देखिए एक फ्यूज़ है, एक पीएफ है और एक लाइन फिल्टर कॉयल है। तो ये सब अच्छा करके देखना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, गलती करके आप ये जो पॉइंट है एक्चुअली ये डिगोसिंग कॉयल का लाइन है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये एसी पॉइंट का, एसी इनपुट करने का जो पॉइंट है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप ऊपर से देखेगा तो जिस पॉइंट का पास फ्यूज़ देखा जाता है, ये जो फ्यूज़ है वो हर टाइम एसी होता है, एसी इनपुट का पॉइंट होता है, और जिस पॉइंट का पास पीटीसी देखा जाता है वो डिगोसिंग कॉयल का पॉइंट है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पीएफ टाइप पीटीसी है, बट ये जो काला वाला पीटीसी दो पिन वाला भी हो सकता है और तीन पिन वाला भी पीटीसी इस टाइप हो सकता है, ठीक है। तो ये पीटीसी के बारे में आप जानना चाहता हो तो उसके ऊपर मैं डिटेल से एक वीडियो बना के रखा है, तब भी आपको ये वीडियो के अंदर मैं जो बताऊंगा आपको कि देखिए ये पिन पर मैं सप्लाई इन करके चलाया, कुछ टाइम ऑन हो गया, तुरंत वो कुछ टाइम के बाद ही स्टॉप हो गया, क्योंकि ये पीटीसी किस तरह काम करता है, ये पीटीसी पर, पीटीसी का मतलब क्या होता है,
पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका अंदर जब पॉजिटिव सप्लाई इनपुट होता है और मान लो कुछ भी सप्लाई आप इनपुट किया और उसका आउटपुट साइड लोड देख के रखेगा तो ये कुछ टाइम का बाद ही हीट हो जाता है। जब ये हीट हो जाएगा, हीट होने का बाद इसका जो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी जो होता है ये हाई हो जाता है। क्या बताया, फर्स्ट टाइम ये जो PTC ये शॉर्टिंग देखा जाता है, ठीक है, कॉइल जैसा शॉर्टिंग देखा जाता है और सप्लाई देने का बाद कुछ टाइम का अंदर ही ये तुरंत हीट हो जाता है। जिस टाइम ये हीट हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसका रेजिस्टिविटी हाई हो जाता है और हाई होने का बजाय इसका अंदर जितना सप्लाई इनपुट करोगे तो ये हाई होने का बजाय इसका आउटपुट से सप्लाई कम आएगा और उसी का रीजन से ये सेट अभी ऑन नहीं हो रहा है। आपको कुछ टाइम का बाद ही ऑन करके दिखाया और ऑन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये जो जितना टाइम हीट रहेगा, हीट होगा तो ये इसका जो PTC या हाई होगा, मीटर से चेक करेगा तब आपको पता चल जाएगा। तो आपको इसी टाइम नहीं दिखाऊंगा, बट कुछ टाइम तो हो गया आपका साथ बात करते करते ये नॉर्मल हो गया, इसका हीट पूरा ही ठंडा हो गया, लास्ट में आपको सप्लाई देके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए PCB को उल्टा करके आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये डिगोसिंग कॉइल का पॉइंट है, ये एसी इनपुट का पॉइंट है। चलिए आपको उल्टा करके दिखाता हूँ, देखिए। तो ये जो पॉइंट है, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपका मन में पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आप इसका ऊपर नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा करके आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये दो AC इनपुट का पॉइंट है, ठीक है, आपको दिखाता हूँ, देखिए अच्छा करके। ये दो AC इनपुट का पॉइंट है और AC इनपुट पॉइंट पर जरूर एक फ्यूज़ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये एक फ्यूज़ है, ठीक है, और ये जो जाता है ये लाइन फिल्टर कॉइल का अंदर जाता है। ये सप्लाई फास्ट ये कॉइल का एक पिन पर जाता है और ये जो AC सप्लाई, देखिए ये फेज न्यूट्रल कुछ भी इधर उधर हो सकता है, ये कोई बात नहीं है, आप फेज न्यूट्रल को इधर उधर काट सकते हो, ठीक है। AC का कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, बट फेज न्यूट्रल वो अलग सब बात है। तो ये दोनों पिन पर सप्लाई आता है और सप्लाई ये कॉइल से इधर आता है और ये कॉइल से इधर आता है और ये सप्लाई जो देखिए चारों जो रेक्टिफाई डायोड होता है ये दोनों डायोड का ये साइड पर आता है और ये जो सप्लाई ये एक डायोड और यहाँ पर एक डायोड ये दोनों डायोड का साइड पर आता है और ये चारों डायोड मिला के इसका ये साइड पॉजिटिव हो जाता है और ये साइड पॉजिटिव होता है और ये साइड नेगेटिव हो जाता है। यह से मेन फिल्टर पर ये मेन फिल्टर कैपेसिटर पर सप्लाई जाता है कैपेसिटर फिल्टर करने के लिए। और ये जो पॉइंट है ये डिगोसिंग कॉइल का पॉइंट है, ठीक है। डिगोसिंग कॉइल पर सप्लाई कौन पॉइंट से आता है, ये जो AC सप्लाई डायरेक्ट ये PTC पर आता है, ये जो PTC देखा जाता है PTC से इसका एक आउटपुट हो जाता है जो डिगोसिंग कॉइल का अंदर जाता है और दो पिन होगा तो एक सप्लाई डायरेक्ट डिगोसिंग कॉइल का अंदर चला जाएगा, बीच में डिगोसिंग कॉइल का अंदर जो सीरीज PTC देखा जाता है। दोस्तों ये वीडियो का अंदर आपको क्या देखा है, ये PTC का जो आउटपुट पॉइंट है, जो योक कॉइल का कनेक्शन पॉइंट, सॉरी डिगोसिंग कॉइल का कनेक्शन पॉइंट है, ये पॉइंट पर मैं लगाया। ये पॉइंट पर लगाने के बाद सेट क्यों ऑन होता है, देखिए ये जो सप्लाई लाइन है ये सप्लाई लाइन के साथ तो एक कनेक्शन हो गया और ये पॉइंट पर मैं जब सप्लाई दे देता हूँ AC सप्लाई तो ये PTC सप्लाई इधर आ जाता है और ये सप्लाई देखिए ये डायोड के पास चला जाता है। तो कुछ टाइम के लिए ये ऑन हो जाता है और ऑन होने के बाद कुछ टाइम के अंदर ही ये PTC तुरंत हीट हो जाता है। जिस टाइम ये हीट हो जाता है उसी टाइम ये इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाता है और इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो यहाँ से इधर सप्लाई बहुत ही कम आएगा और इसी का रीजन से मेन पावर सप्लाई पर वोल्टेज कम आएगा तो इसी का रीजन से इसका सब कुछ वोल्टेज आउटपुट कम होगा। तो चलिए मैं बात करते करते बहुत टाइम चला गया, आपको दोबारा ये PCB को सप्लाई देके और दोबारा ऑन करके आपको दिखाना चाहता हूँ। आपका सामने ही मैं ये PCB को ऑन करूँगा और ये डिगोसिंग जो PTC का जो आउटपुट पॉइंट है, जो डिगोसिंग कॉइल पॉइंट है, यह पर ही मैं लगा के आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। यह पर ही मैं लगाया और आप खुद देख सकते हो मैं इसका AC साइड पर नहीं लगाया, आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखिए PCB को सीधा किया, ठीक है, और इसका इंडिकेटर भी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, इसका इंडिकेटर इधर है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ही मैं रखा है, ठीक है। चलिए आपका सामने मैं प्रैक्टिकली सप्लाई देके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए मैं सप्लाई दे देता हूँ,
सप्लाई दे दिया, इसका पावर इंडिकेटर अभी ऑन है और ये पीटीसी ठंडा हो गया, ये टीवी 100% ऑन होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये टीवी ऑन हो गया। चलिए मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए वीडियो प्ले कर दिया और वो पीटीसी जब हीट हो जाएगा वो टीवी ये पीसीबी फिर भी स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइम दोस्तों इसका 110 वोल्ट लाइन पर वोल्टेज आपको दिखाना चाहता हूँ, प्रॉपर 109 वोल्ट है। आप अच्छा करके देखिए, ठीक है, प्रॉपर 109 वोल्ट है। और देखिए पिक्चर अभी चल रहा है, ठीक है, पिक्चर अभी चल रहा है, आप अच्छा करके देखिए। और आपको रुकना पड़ेगा कुछ टाइम, आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, पिक्चर आपको नहीं दिखाना चाहता हूँ पूरा, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। तो इसी कंडीशन पर इसी तरह आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये खुद ही आप देखिए, इसका अंदर कोई भी स्विच ऑफ करने का ऑफ करने वाला नहीं है। देखिए इस तरह ये स्टॉप हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।